आप सब आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हमारे यहाँ पर है मेहंदी, तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ मेहंदी के लिए, और आरू भी रेडी होगी। आरू दिखाओ, ये देखो आरू कितनी क्यूट लग रही है। अभी आरू गिर गई तो आरू का पैर छिल गया, आरू का थोड़ा सा प्लाजो फट भी गया है। कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया। तो हम मेहंदी के लिए तैयार हो चुके हैं और हम मेहंदी के लिए निकल रहे हैं। अब देख रहे हैं वहां जाके सब तैयार है या नहीं है, तो वहां जाके पता चलेगा। तो हम तो चलते हैं, और आप जरूर बताना कि मैं और आरू कैसे लग रहे हैं। तो हम कैसे लग रहे हैं दोनों? आरू आओ, मैं तो आ चुकी हूँ, मेरा यहाँ से थोड़ा सा ब्लाउज फट गया है। तो हमारे भाताई आ गए हैं, मैं आपको मिलाती हूँ अपने भाताइयों से। आज हमारा मेहंदी का प्रोग्राम भी है और बात का प्रोग्राम भी है, तो आज हमारे मेहंदी वाले आ गए हैं, तो मिलाती हूँ। तो ये हमारे में भाताई है, ये 84 दिन में मिल जाए। सुनो भैया, मैं थोड़ा लेट हो गई, तो इसलिए मुझसे बाहर का प्रोग्राम निकल गया। तो बाहर का प्रोग्राम तो निकल चुका है, जो आगे का प्रोग्राम होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो वो बढ़ते यूट्यूबर। अभी ये हमारे पड़ोसी, सबसे ज्यादा मजे तो इन बच्चों के आ रहे हैं। कितने आराम से खेल रहे हैं, मस्त होके एकदम, बस खुश होके सारे के सारे। और यहाँ पर भैया लोग खाना खा रहे हैं, और फिर लेडीज़ों का खाना स्टार्ट हो गया, तो एक एक करके सारी लेडीज़ें खाना ले रही थी। कुल मिला के ना पार्टी में मज़ा तो आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये दक्ष के पापा सबको रायता देते हुए बथुए का, और यहाँ सब खा रहे हैं। वो देखो मीनू को छुप के खाना खा रही है, ये देखो। अरे क्यों नहीं बनाएंगे ये लोग। मीनू छुप के खाना खा रही है, और इधर सब भात है, सीमा दीदी, राधा दीदी सब खाना, और ये हमारे बच्चे पार्टी खाना खा रही हैं। सबको मज़ा आ रहा है पार्टी में, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये लक्ष्मी महाराज जी बिल्कुल मेरी कॉपी है, जैसे मैं बोलती हूँ ना वैसे बिल्कुल ये बोलता है। बस और अब भात पहनाया जा रहा है। सबसे पहले पापा जी और मम्मी जी को भात पहना रहे हैं मामा जी, और फिर पापा जी ने वार फेर किया, फिर मामा जी कह रहे कि करके सबको बुलाओ, तो फिर हर्ष को बुलाया जा रहा है कि हर्ष का होगा, तो फिर हर्ष आया, फिर हर्ष का भी मामा जी ने किया, मामा जी ने सूटी का किया, फिर उसके बाद हर्ष को भी कपड़े दिए, और मिस्ट मामा जी ने सबके लिए कपड़े लाए थे, सारी फैमिली के लिए। हर्ष को तो बड़ा मेरा हर्ष को कपड़े दिए मामा जी ने, मामा जी सबके लिए कपड़े लाए थे। और ये फिर मौसी को दिया मामा जी ने, मौसी को कपड़े दिए, और मौसी ने थोड़ा मामा जी के ऊपर बात फेंक दी, और फिर मामा जी कह रहे हैं और सबको भी बुलाओ जिन जिनको भी मतलब देना है। तो फिर ये गीता दीदी को दिया, गीता दीदी ने भी मामा जी के ऊपर से बात फेंक किया, और फिर ये सगुन को दिया, और अंजू को मेरे से निकल गया, और फिर ये आरू को दिया। ये लो और ये धनु को धर्मेंद्र भैया को बड़े वाले भैया ने दिए थे, और फिर इसको ये परवेश भी आ गई, तो फिर भैया ने परवेश को भी दिए कपड़े, धरू भैया परवेश को दोनों को दिए। फिर उसके बाद सीमा दीदी को बुलाया, ये सीमा दीदी हैं, सीमा दीदी और गुड्डू भैया इन्हें बुलाया,
तो फिर इन्हें दिया भैया, बड़े भैया ने, और फिर राधा दीदी और मिक्की भैया को बोला, ये राधा दीदी और मिक्की भैया, इनको भी मामा जी ने कपड़े दिए, मामा जी ने सॉरी भैया ने दिए राधा दीदी और मिक्की भैया को। और फिर मुझे और दक्ष के पापा को, ये मुझे और दक्ष के पापा को दिए भैया ने। हम लोगों की साड़ी तीनों की सेम थी, बिल्कुल सेम टू सेम थी। मैं उस मेहंदी के लिए आई थी तो सेम टू सेम थी हम तीनों की साड़ियाँ, राधा दीदी, सीमा दीदी और मेरी ये। और फिर उपेंद्र भैया और ममता को दिया गया, उन वो भी भैया ने दिया था, उपेंद्र भैया को और ममता को भी, इन्हें भी कपड़े दिए गए। ऑलमोस्ट सबके लिए कपड़े थे, जितनी हमारी फैमिली है टोटल फैमिली के लिए, मौसी की फैमिली और मम्मी की फैमिली, सारी फैमिली के लिए कपड़े थे, सबको कपड़े दिए गए। और ये लास्ट में अमित भैया को दिए गए, क्योंकि अमित भैया ही तो दूल्हा थे। और अब रह गए हैं दक्ष, गोलू और लक्ष्य। आप इन तीनों को कपड़े देंगे भैया, क्योंकि इधर सब बैठे हैं और इधर सारी लेडीज़ बैठी हुई थी। देखो मैं और सीमा दीदी और राधा दीदी बिल्कुल सेम टू सेम है, क्योंकि ये साड़ियाँ सीमा दीदी बेंगलोर से लेके आई थी हम तीनों के लिए, एक जैसी बिल्कुल। और ये दक्ष, लक्ष्य और गोलू को कपड़े दिए भैया ने, तीनों को ऑलमोस्ट सभी के लिए कपड़े थे, मतलब कुल मिला के बात उन्होंने बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा बोलते जैसे वो वाला दिया। तो अब हमारा भात का प्रोग्राम तो हो गया, सबको भात भी पहना दिया, तो अब हमारा होगा मेहंदी का प्रोग्राम। अब हम लोगों की मेहंदी स्टार्ट होगी, देखो वो कितनी देर में होती है। वैसे खाना पीना हमारा सब हो गया, बस अब मेहंदी होनी है, तो बस अब देखो चलो मेहंदी करते हैं। अब हो गया हमारा मेहंदी का प्रोग्राम स्टार्ट। तो अमित भैया के एक हाथ पर लगाई थी शगुन ने मेहंदी, और एक हाथ पर लगाई थी अंजलि ने मेहंदी। ये दोनों को बहुत अच्छी है मेहंदी, आती है बहुत ज़्यादा अच्छी है, इन्होंने ऑलमोस्ट सबके इन्होंने ही लगाई थी। शगुन थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगाती है, क्योंकि शगुन की शगुन पेंटिंग वगैरह करती रहती है, तो शगुन को बहुत अच्छी मेहंदी आती है। आधे लोग सो चुके हैं, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं, और ये अपनी ड्रेस चेंज कर आई, क्योंकि वो थक चुकी हैं। रात के 2 बजे कहीं मेहंदी का प्रोग्राम होता है, कुछ कहना चाहेंगे आप अपने उस? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, नो कमेंट। ऐसे नहीं, दक्ष के पापा। तो ये सब मेहंदी लगा रही हैं, इधर शगुन लगा रही है, ये शगुन की मेहंदी है, शगुन बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है। और ये अंजू की मेहंदी, अंजू लगा रही है, और अंजू और अर्चना दोनों साथ में मिलके लगा रही हैं, एक हाथ पे 2 लगी पड़ी हैं। लेकिन जो भी बहुत सुंदर लगा रही हैं, शगुन भी सुंदर लगा रही है और अंजू भी बहुत सुंदर लगा रही है, और अंजू और अर्चना दोनों मिलके लगा रही हैं, कुल मिलाकर बहुत सुंदर। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, तो मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, बाय। क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, सुबह के 4 बज चुके हैं, और अब हमें सोना है, सुबह बारात में भी जाना है ना, सुबह 10 बजे घुड़चढ़ी होगी तो हमें उसमें भी जाना है। तो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी।